जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का यह महीना कैसा रहेगा। बात करेंगे पारिवारिक जीवन की, व्यापार की, नौकरी की और शिक्षा की भी बात करेंगे और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, लव लाइफ की भी बात करेंगे और वीडियो के अंतिम में सुंदर से उपाय भी आपको बताएंगे जिन उपायों को करके आप इस महीने को आनंददायी बना सकते हैं। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस महीने जो है कर्क राशि के जातकों को इस सितंबर 2023 के महीने आपको जो है आपके और अपनी माता के बीच में जो है आपका आपके जो है अपनी माता के बीच में कुछ वैचारिक अंतर की संभावना आ रही है, कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि घर के वातावरण में थोड़ा सा तनाव रह सकता है और इस दौरान आपकी माता की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की संभावनाएं भी दिख रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें आपकी माता को हो सकती हैं, जिससे क्या होगा कि घर के लोगों का मन जो है थोड़ा सा परेशान रह सकता है और आपके जो है परिवार में सुख और शांति स्थापित करने के लिए आपको जो प्रतिदिन है जो है हनुमान जी की पूजा करनी होगी, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना होगा या आपको सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन आप हनुमान जी की पूजा करें, जिससे आपकी परेशानियां जो भी परेशानियां हैं उसका समाधान हो सके। कर्क राशि के जो जातक हैं इस सितंबर 2023 के महीने के अनुसार महीने के तीसरे जो सप्ताह है, इस महीने का जो तीसरा सप्ताह होगा, तो तीसरे सप्ताह में घर के किसी सदस्य को जो है नई नौकरी का मौका मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपसी मतभेद भी थोड़ा सा कम हो सकते हैं। इससे परिवार के बीच जो है संबंध मजबूत हो सकते हैं और एक उत्तरदायित्वपूर्ण महीना जो है या उत्तरदायित्वपूर्ण जो महीना है वह स्थापित या सितंबर का महीना आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं सितंबर 2023 के अनुसार जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा और करियर आपका कैसा रहेगा इस सितंबर 2023 में। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं इस सितंबर 2023 के अनुसार जितने भी कर्क राशि के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन यह समय रहने वाला है और उन्हें जो है उनके माता पिता के आशीर्वाद का भी अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है इस सितंबर के महीने में। कुछ क्षेत्रों में वे संघर्ष का सामना जरूर कर सकते हैं लेकिन उनका जो आत्मविश्वास है वह पहले की तुलना में मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और जो कर्क राशि के जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह जो महीना है सितंबर 2023 का महीना, यह सफलता की प्राप्ति आपको इस महीने हो सकती है, सफलता भी इस महीने आपको संभव दिख रही है, जिससे क्या होगा कि आपका जो मन है वह उत्साहित रहेगा और आपकी मेहनत और जो आपका समर्पण है आपको आपको जो है अपने लक्ष्यों की प्रति जो है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मदद करेगा और आप सफलता की सीढ़ी पर एक और कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जो है यह सितंबर 2023 का महीना जो है कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापार, जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार कैसा रहेगा और नौकरी कैसी रहेगी। तो
कर्क राशि के जो जातक हैं इस सितंबर 2023 के अनुसार आपको जो है नौकरी में लाभ कमाने के लिए, नौकरी में अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत की आवश्यकता आपको होगी। और आपके भाई बहन का जो है, आपके जो भाई बहन है तो आपके भाई बहन का साथ आपके लिए सहायता प्रदान कर सकता है, उनका आपको साथ मिलेगा और जिससे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, जिससे आपका थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। और इस अवधि में जो है आपको थकान का भी अनुभव हो सकता है, जिससे क्या होगा कि मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। सरकारी अधिकारी जो हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं कर्क राशि के जातक, तो सरकारी अधिकारियों के लिए यह महीना जो है वह नए क्षेत्रों का चयन करना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, और जो उनके अनुभव में वृद्धि कर सकता है, आपके अनुभव में वृद्धि कर सकता है। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्तियों का मन भी जो है नई चीजों के प्रति आकर्षित हो सकता है, और जिससे जो है आपका मन जो है काम करने का मन नहीं लग पाएगा, काम में आपका मन नहीं लग सकता है। इससे यह संभव दिख रहा है इस महीने सितंबर के महीने कि काम के प्रति जो है आपका लगाव नहीं रहेगा, और आपके काम में रुचि नहीं रहने का संकेत यह दे रहा है यह सितंबर का महीना। और आप अपने काम में जो है अगर कुछ काम भी करेंगे तो आपके काम में जो है काम को करते करते आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, आप जो है काम के प्रति आलस्य करेंगे इस महीने। व्यापारियों के लिए भी यह अगर सितंबर 2023 का जो महीना है, कर्क राशि के जो जातक व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी यह महीना थोड़ा सा आपके लिए उथल फुथल भरा रहने वाला है। इस महीने थोड़ा सा आपको जो है अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना होगा, योजना बना करके कुछ कार्य को आप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप जो है इस महीने थोड़ा सा नुकसान भी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का जो महीना है इसमें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो मुख्य बिंदु है स्वास्थ्य। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं इस महीने जिन्हें श्वास संबंधित कोई समस्या पहले से है तो उन्हें अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप जो है अस्थमा के रोगी हैं तो आपको इस सितंबर 2023 के महीने कुछ खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता आपको हो सकती है, क्योंकि यह महीना सितंबर का महीना आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपने पास जो है इनहेलर जैसे उपकरण रखने की सलाह दी जाती है, ताकि आपको अचानक से किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। और कर्क राशि के जातकों के लिए यह सितंबर 2023 का जो महीना है इसके अनुसार शारीरिक दृष्टि से इस महीने कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या गंभीर जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वह संभावित नहीं है, कोई गंभीर बीमारियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपको जो है अस्वस्थ महसूस हो सकता है, यानी कि मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ आप रहेंगे। किसी विशिष्ट बात की चिंता आपको परेशान कर सकती है जिससे आपका मन अशांत रह सकता है। इस वक्त में जो है आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी सामूहिक जो है सामूहिक प्रशिक्षण करने की सलाह दी जाती है, अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, प्रशिक्षण करने की सलाह दी जाती है। और आपको जो है सकारात्मक सोचने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक सोच आपको इस महीने रखनी है, ताकि आप जो है चुनौतियों का सामना करने में सफलता प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह सितंबर 2023 का महीना आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं इस सितंबर 2023 के अनुसार आपके मन में एक निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है, और जिसके कारण जो है आपका अपने साथी के प्रति आकर्षण कम हो सकता है। आपके नीरस स्वभाव की वजह से जो है आपके साथ आपका जो साथी है वह भी आपसे निराश हो सकता है। और विवाहित जो लोग हैं, विवाहित लोगों को जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन आपके मन में उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी।
और कर्क राशि के जातक जो हैं इस सितंबर 2023 के अनुसार जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनका मन भी इस महीने उदास रहने की संभावना दिख रही है, जिससे उनका मन किसी से भी लगने में, किसी से के प्रति आकर्षित होने में थोड़ा सा आपको कठिनाई आ सकती है। इस समय जो है आपको खुद पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और आत्मसंयमित आपको होना है, आत्मसंयम बढ़ाने का आपको प्रयास करना है और अपने भावनाओं को स्पष्ट ढंग से जो है व्यक्त करने से आपके रिश्तों में सुधार आ सकता है और आपके संबंधों में मजबूती आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने सितंबर 2023 के महीने करने वाले उपाय, जिन उपायों को करके आप इस महीने को आनंददायी बना सकते हैं। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं इस महीने भाग्य को चमकाने के लिए आपको जो है श्री विष्णु भगवान जी की आराधना करनी होगी, विष्णु भगवान की पूजा करनी है और विष्णु सहस्र नाम का आपको पाठ करना है और आपको जो है केसर का तिलक अपने माथे पे लगाने की सलाह दी जाती है और विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। तो अगर आप इस उपाय को करें तो आप जो है इस महीने को सितंबर 2023 में के महीने को आनंददायी बना सकते हैं। तो इस उपाय को आपको जरूर करना है ताकि आप इस महीने को आनंददायी बना सकें, लाभदायी बना सकें। तो आज का वीडियो यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।